कप्तान जिनकी अभिरक्षा में सारा शहर शांति अमन और चैन से सोता है, ऐसे हमारे कप्तान आदरणीय श्री प्रफुल्ल ठाकुर जी उपस्थित हो चुके हैं और हमारे बीच हमारे नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती हेमा देशमुख जी भी उपस्थित हैं, महापौर नगर निगम। मैं सभी अतिथियों को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मैडम जी से निवेदन है, कृपया दो मिनट का समय और दें कि परंपरा को संपन्न करेंगे। देवी हमारे बीच उपस्थित हैं, सेवा दल अध्यक्ष और हमारे अन्य अतिथिगण भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। फ्रेंड्स क्लब के सभी सदस्य कृपया मंच पर आएं और हमारे अतिथियों के सम्मान की परंपरा संपन्न करने में सहयोग प्रदान करें। और फ्रेंड्स क्लब राजनांदगांव स्वयं सेवी संस्था है, समाज सेवी संस्था है। पांडे जी जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच हैं। श्री पुरुषार्थ शर्मा, तालियों से सम्मान करें। राजन बहुत ही अच्छे कलाकार, सुगम संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत में भी इनकी अच्छी पकड़ है, भाई प्रवीण राजन। मेरा थोड़ा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग तिरंगा लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान करिएगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका किसी भी रूप में उसका अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी उसके लिए शासन ने हमको रात में भी फहराने का अनुमति दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम उसको बिल्कुल भूल जाएं, मतलब किसी भी स्थिति में उसको झुकने ना दें और उसको बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में लगाएं। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग इस जो देश का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75वीं सालगिरह, उसमें हर आप लोग से सभी से अपील करूंगा कि आप लोग जरूर अपने घर के तिरंगा लगाएं। थैंक यू। गीत के साथ में जुड़ते हैं देशभक्ति गीत की इस सुरमई शाम के साथ। करतल ध्वनि से तालियों से हमारे अतिथियों का सम्मान करें। गाया था यार रहमान और श्रीनिवास ने, लेकिन इस मल्टी स्टार बैंड राजनांदगांव के बहुत ही सुरीले गायक सोहेल रंगारी इस गीत को आप सभी के बीच लेकर आ रहे हैं। आइए जुड़ते हैं इस लगान के खूबसूरत से गीत के सामने। हमने कहा है जो तुम भी कभी
इंस्ट्रूमेंट सभी में बारिश का असर हो गया है। कुछ देर यदि आप विश्राम कर लें सही। राजनांद गांव के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन किया गया है, जिससे कि जो हमारे युवा साथी बहुत ही अच्छा देश के नाम एक संदेश दे रहे हैं, जिससे कि राजनांद गांव के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है और इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। और मैं इस अवसर पे समस्त जो यहाँ पे आयोजक कमेटी है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब उसमें हम घर घर तिरंगा लगाया, तो मुझे आप लोगों के माध्यम से अपील है कि सभी अपने घर में तिरंगा व्यवस्थित क्रम में लगाएं। और दूसरी बात, अभी हम 20 तारीख को महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक मैराथन कर रहे हैं, उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक शामिल हों। एक बार पुनः मेरी ओर से जिला पुलिस बल राजनांदगांव से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।